लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गोविंदा 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 गोविंदा। आओ गोविंदा, आओ आओ आओ। कौन हो तुम? शहर में मेरा नाम कोई बताया नहीं क्या गोविंदा? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तब तुम बहुत छोटे बच्चे थे, तुम्हारे पिता मेरे बहुत क्लोज थे और तुम्हारे भैया और भी क्लोज। सभी क्लोज है, तुम कौन हो ये नहीं बताओगे तो तुम भी क्लोज हो जाओ। क्लोज क्या होगा गोविंदा, मेरा धंधा तो हर वक्त ओपन है, मेरे धंधे का तो हिसाब ही नहीं है गोविंदा। रियल एस्टेट के पर्पस से आया हूँ। इस बिल्डिंग को गिराकर इस जगह पर वर्ल्ड के नंबर वन मल्टीप्लेक्स थिएटर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर चाहो तो पिछले हिस्से को रेसिडेंशियल भी बना सकते हो, वो भी नंबर वन है गोविंदा। ये कौन है जीजाजी, कोई पागल लगता है? ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है रविंद्र, इसकी नजर अब हमारी जमीन पर है, ये भैया से भी मिल चुका है। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? भैया ने मना किया था। देखो गोविंदा, ये इनकम के लिए बनाया गया कॉलेज नहीं है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे पिता ने इस कॉलेज को बनाया था। ये क्या बात कर रहे हो गोविंदा, इसे ऐसे ही रखोगे? अंधे घोड़े को काजू खिलाकर पालने के बराबर है, क्या करोगे इसे ऐसा रखकर? मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो बहुत कमाओगे गोविंदा। एडवाइस मत दो, बाहर निकलो। मुझे काहे को मार रहे हो भाई? पंचांग में मुहूर्त देखने के लिए बोला था तो यम को ही यहाँ उठा लाया। पंचांग वंचांग अपन को नहीं मालूम, अपन पढ़ेला नहीं है। सॉरी गोविंदा, रियल एस्टेट आज रहेगा कल चला जाएगा, लेकिन रिलेशन लाइफ लॉन्ग रहता है, यही बात है। चलता हूँ गोविंदा। ए चलो भूतनी के, सब निकम्मे हैं। इसका काम भी करो और पढ़ भी। चलो भाई। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रवि, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दिस कॉलेज। अब तक इस कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा था और इस कॉलेज में ड्रग्स कहां से आ रही थी ये मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आगे इस तरह की कोई भी खबर मिली तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरह के नशीले पदार्थ लाने वालों के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे इस नंबर पर दी जा सकती है, 9490993300। हेलो श्रुति। सर, आपकी वार्निंग के बावजूद इस कॉलेज के एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव नहीं है। दरअसल इनको ड्रग्स और नशीले पदार्थ कहां से सप्लाई होते हैं क्या आप जानते हैं? बताओ कहां से? लगे रहो। देशी शराब का मतलब गरीब के लिए स्कॉच विस्की है, जो एक पौवा लगाए उसकी दुनिया घूम जाए। जरा ध्यान से बनाना। अरे गोविंदा गोविंदा, मैं जानता था गोविंदा तुम यहाँ आओगे। घर पे माँ भाई दादी सब ठीक है ना? तुमको भाई ने भेजा है या कॉलेज को बंद करके तुम भी भेजना चाहते हो? हाँ, बंद करना कॉलेज को नहीं, तुम्हारे गलत धंधों को। ऐसे धंधे करते हुए तुम्हें गैरत महसूस नहीं होती? गैरत? वो तो मैंने कभी का छोड़ दिया है गोविंदा। जानते हो क्यों? धंधे के लिए चड्डी पहन करके मैंने कितनी बार कष्ट उठाए हैं, कितनी लाठियों की मार खाई है, कितनी बार जेल गया हूँ, कितनी रिश्वत देकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये धंधा मुझे रास आ गया है भैया। तुम्हारे इस धंधे की वजह से हमारे कॉलेज नहीं, शहर के सारे स्टूडेंट्स तबाह हो रहे हैं। आ छोटे आ। भैया। भाई है गोविंदा, माँ के पेट से जैसे ही ये दुनिया में आया माँ भी ऊपर चली गई गोविंदा, वही इसका पहला मर्डर है गोविंदा। भैया कौन है ये? अपने काले धंधे बंद करने के लिए आया ये बिना वर्दी का पुलिस वाला। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे काले धंधे ही नहीं, तुमको भी बंद कर दूंगा। सूट बूट पहनकर एसी में बैठने वाले हो तुम, तुम्हें क्या लेना है हमारे काले धंधे से गोविंदा? भैया टाइम खोटी काय को, बोले तो टपका दूंगा साले को। मैं सूट में ही हूँ क्लास, सूट बूट अगर निकाल दूं तो बड़ा मास हूं।
भाई अब ये सब कुछ मत देखो, अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। हेलो, मैं धरावी झोपड़पट्टी से बोल रहा हूँ। दो डॉक्टर और दो नर्स भेज दो। नर्स नहीं है, छोकरी है, भेज दो क्या? अरे छी, ये तो कोई भड़वा लगता है। क्या चाहिए? देसी शराब बेचने वाला सिंधे भाई है ना, उसकी और उसके छोकरे लोग की कोई धुलाई कर रहा है। अपन को अर्जेंटली में एम्बुलेंस मांगता है, डॉक्टर मांगता है और नर्स मांगता है। हाँ भेज देंगे, 10 मिनट में वहाँ एम्बुलेंस नहीं पुलिस वैन पहुँच जाएगी। हा? पुलिस स्टेशन में फोन लग गया क्या? क्यों रे, काले धंधे तुम लोग करते हो और अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें फोन करते हो? फोन? माँ कसम भाई, एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फोन लगाया था, गलती से पुलिस को फोन लग गया भाई। ये तुमने अच्छा काम किया है। ए, इसको छोड़ के बाकी सबको अंदर करो, चलो। ए, चलो। ए, मैं भी इसी शहर में हूँ और तू भी इसी शहर में है, देखेंगे कौन रहेगा। ए, छोड़ो मुझे, मैंने बोला ना। चले बाबा। ये पी लो। क्या है? दूध है। नहीं आदत, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। नहीं, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। नहीं बहना, देसी दारू होती तो आग बंद करके पी जाता। ए बुढ़िया, मुझे परेशान मत कर। प्लीज भैया, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तुम नहीं पियोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप लोग अंदर आइए। देखिए, ये मेरी माँ की फोटो है। माँ से भैया बहुत प्यार करते हैं, इसे इनके बाजू रख देना। ओके। बेटा, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? आप कोई फिक्र मत कीजिए माँ जी, उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या है? डोसा कहा तो वर्ल्ड मैप ले आया। 70 mm डोसा कभी देखा नहीं क्या? 70 mm डोसा ऐसा होता है? तुम्हारे जितना है, हम दोनों इसे नहीं खा सकेंगे, किसी की हेल्प लेते हैं। हेलो मैडम, कोई डोसा खाएंगे? रुको, इतने हेल्दी हो इतना डोसा नहीं खा सकते? चलो शुरू करो। हेलो। हेलो मिस्टर रविंद्र, हरि का क्या हाल है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसलिए उसे यहाँ से भेजना पड़ेगा। नो नो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये अस्पताल तुम्हारे बाप का बनाया हुआ नहीं है। क्या बोला? क्या बोला तू? हाँ क्यों नहीं बोले, हॉस्पिटल तुम्हारे बाप ने। सर, ओ तू है, आ जा, आ जा। किसने मुझे यहाँ लाया?
मैंने। ये तेरा कॉलेज नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने के लिए। तू अपनी ये पावर अपने कॉलेज में जाके दिखाना। मुझ पे क्या दिखा रहा है दादागिरी? ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। मेरा रास्ता रोकने वाला तू कौन होता है बोल? ए, मुंह बंद रख। क्या है, क्या है तेरा रास्ता? काशी जाने जैसा पवित्र है तेरा रास्ता? गांजा, अफीम, चरस लेकर तू और तेरी जिंदगी नरक की तरह बन गई है रे बेवकूफ। पॉइजन है, स्लो पॉइजन अपने रगों में उतार रहा है तू। क्या समझता है तू अपने आप को? ए, तेरे मरने के बाद खाने के लिए चार कौवे आएंगे, लेकिन तुझे देखने के लिए चार आदमी भी नहीं आएंगे। ये बुढ़िया तुझे पालकर आज भी पछता रही है और रो रही है, और तेरी बहन खून की आंसू रो रही है। ठीक है, किसी के तकलीफ से तुझे क्या? तेरे मरने के बाद इनका क्या होगा जानता है? छी, तुझे मैं सुधारने चला था। अरे गलती मेरी है, कसूर मेरा है। ये ले, ये पैसा लेकर जितना ड्रग्स चाहिए खरीद ले तू, और जब मरना है मर जा। मुझे माफ कर दो माँ जी, जो मैंने जुबान दी थी पूरा ना कर सका। चार बार बोलने से जानवर भी समझ जाता है माँ जी, लेकिन हजार बार बोलने पर ये नहीं समझता, ये असल में इंसान ही नहीं है। हो सके तो इसे मेरी तरह छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, नहीं तो उसके साथ रहकर उसकी तकलीफों को सहकर ऐसे ही जिंदगी बिताते रहिए। नानी माँ, की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरे भैया का दिल पत्थर हो गया है। वो नशे में क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। इस वक्त अगर आप भी उन्हें छोड़कर जाएंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे। उनको छोड़कर मत जाइए प्लीज। हरी, तुम पर अधिकार जमाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं लाया, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। एक्चुअली यू आर वेरी सुपीरियर पर्सन, लेकिन तुम नहीं जानते कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तुम में बढ़ता जा रहा है। चलो मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपनों के लिए, तुम कुछ दिन यहीं रुक कर अपना ट्रीटमेंट करवा लो प्लीज़।